हाँ बेटा, तो आज ये आठवीं कक्षा के बच्चे संचाना स्कूल की जो लड़कियां हैं वो एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, चंद्र ग्रहण। अभी लगाया था ना चंद्र ग्रहण, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। कोई भी ग्रहण किसे कहते हैं ग्रहण। ग्रहण क्या होता है बेटा, जब हमारा सूर्य तारा है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, वे पिंड जो तारे के चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, वे पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। यहाँ से स्थिति क्लियर। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। एक समय ऐसा होता है घूमते घूमते ये तीनों के तीनों एक सीध में हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्लियर। ऐसे जब तीनों एक सीध में हो जाते हैं, एक साइड सूर्य है, ये मोमबत्ती हमने क्यों जला रखी है, ताकि सूर्य का प्रकाश दिखाने के लिए, क्लियर। यहाँ पे हमारे बीच में पृथ्वी, फिर है चंद्रमा। जब घूमते घूमते ये तीनों हो जाते हैं और बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर तक नहीं पहुंच पाता। चंद्रमा का पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, सिर्फ सूर्य का अपना प्रकाश है, क्योंकि तारों का ही अपना प्रकाश होता है, ग्रह उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता। तो क्या होता है, जब ये तीनों सीध में आ जाते हैं, हम कहाँ होते हैं, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमें वही वस्तु दिखाई देती है जिसके ऊपर प्रकाश गिरता है और प्रकाश वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है, क्लियर। तो यहाँ पर पृथ्वी बीच में आ गई है, चंद्रमा तक इसका प्रकाश नहीं पहुंचा, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम चंद्रमा का ना दिखना, इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये बात क्लियर होगी, हम वापसी देख करके पकड़े बेटा इसको। तो यहाँ से हम देखेंगे, आप दोबारा बताएंगे, चंद्रमा किसका उपग्रह बेटा, पृथ्वी का। क्यों, क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाती है। और जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, ग्रह तारा या उपग्रह, ग्रह। वेरी गुड। ग्रह किसे कहते हैं, वे आकाशीय पिंड जो तारों के यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। तो हमारे ग्रह संख्या में कितने हैं, 8, क्लियर। तो आज बेटा हमने पढ़ा है चंद्र ग्रहण, इसी तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लियर होगा आपको, गुड। शाबाश, सभी बच्चे इसको देखेंगे, कमेंट में बताएंगे क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। ओके, थैंक यू।